बैक टू माई ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। थंबनेल देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का वीडियो। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का दो टाइप होता है, एक तो हो गया बुलिश, एक हो गया बेरिश। अगर आपको अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना है तो डैट मीन्स बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड अगर आपको डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना होता है तो दैट टाइम बेरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे सामने जो अभी है ये है बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब कैसे क्या इसको यूज़ किया जाता है एंड क्या टाइम फ्रेम का आपका एक्सपायरी टाइम होना चाहिए, कैसे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो ऑलिम ट्रेड में, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, सो सिंपली अगर आप यहाँ पर देखोगे एक रेड कैंडल बना है, ओके तो रेड कैंडल जब बना है उसके बाद आप देखो फिर एक ग्रीन कैंडल बना है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ग्रीन कैंडल अगर बना है तो यहाँ पर रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहाँ से होना चाहिए एग्जैक्टली इस पॉइंट से, ठीक है। बट यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है इसका ओपनिंग इतना नीचे से हुआ है, ठीक है। तो डैट मीन्स कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज हुई है, फिर यहाँ से जंप करके प्राइस यहाँ पर आ गया और यहाँ से मार्केट फिर से ओपन हुआ, मतलब ग्रीन कैंडल बना यहाँ पर। और जहाँ पर रेड कैंडल ने क्लोजिंग की थी, ठीक है, वहाँ पर ग्रीन कैंडल ने जाकर अगेन क्लोजिंग की। ओके, मतलब यहाँ पर आप देखोगे दोनों कैंडल की क्लोजिंग सिमिलर जगह पे है, बट दोनों कैंडल अलग अलग कलर की, एक है रेड एक है ग्रीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड कैंडल जहाँ पर क्लोजिंग की रेड कैंडल ने, वहाँ से जंप करके प्राइस यहाँ पर आ गया नीचे, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना। अब ये जो पैटर्न बन गया है इन दोनों को मिला के, क्या होता है कि जब भी एक रेड कैंडल बनती है एंड उसका क्लोजिंग जहां पर होता है उस क्लोजिंग पॉइंट से प्राइस जंप करके डाउन आ जाता है, यहां से देखो डाउन आ गया है जंप करके, फिर यहां से मार्केट अगेन जितना उसने जंप किया था, मतलब जितना प्राइस उसने कवर मतलब जंप किया उसको वो कवर करने आता है अगेन। ओके, तो यहाँ से देखोगे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ जहाँ पर रेड कैंडल का, वहाँ से जंप करके मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर जितना उसने जंप किया उसको रिकवर किया, मीन्स जहाँ पर रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी वहाँ पर ग्रीन कैंडल ने भी क्लोजिंग दी। तो ये हो गया काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बुलिश है। अब इसके बाद क्या आप अप डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो फॉर 3 मिनट और 5 मिनट। ओके, तो ये तो हो गया बुलिश। अब हम बात करेंगे बेयरिश के बारे में। अब यहाँ पर देखो बेयरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। अब यहाँ पर देखो पहले बनता है ग्रीन कैंडल, अब उस टाइम डाउन के तरफ जंप किया था जब हमने बुलिश का देखा था। अब यहाँ पर ये बेयरिश काउंटर अटैक पैटर्न है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से जंप करके डायरेक्टली मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसने जितना जंप किया था उतना ही वो नीचे आया फिर से, और फिर जहाँ पर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी अपनी, उसी जगह पे रेड कैंडल ने अगेन आके अपनी क्लोजिंग दी। ये देखो क्लोज भी लिखा है, ओके, सिमिलर जगह पे अपनी क्लोजिंग दी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ओपन गैप अप फॉर्मेशन हुआ, मतलब ओपन गैप अप हमें यहाँ पर मिला, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ओपन हुआ गैप अप कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो पहले ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ से एक गैप अप आकर फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल ओपन हुई, और जहां पर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी थी वहीं पर रेड कैंडल ने आके अगेन क्लोजिंग दी। ओके, तो फिर उसके बाद ये जो पैटर्न है ये बेयरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो दैट मींस यहाँ से मार्केट डाउन जाना चाहिए, सिंपल। अब यही चीज मैं आपको मार्केट में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये कैसे क्या वर्क करता है। बुलिश देख लिया, बेयरिश देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मेन है वो आपको पहले दिखाते हैं ये वाला। यहाँ पर देखो बेयरिश काउंटर अटैक पैटर्न है। ओके, बेयरिश की बात कर रहा हूँ ओनली मैं। तो बेयरिश में हमने क्या देखा था कि नॉर्मली ग्रीन कैंडल बनती है, फिर मार्केट सडनली जंप करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बाद जितना उसने जंप किया है उस प्राइस को कवर करता है, और जहाँ पर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी थी वहीं पर रेड कैंडल आके क्लोजिंग देता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल है,
उसके बाद जंप करके प्राइस ऊपर गया। जितना प्राइस उसने जंप किया उतना ही आके कवर अप किया। ग्रीन कैंडल ने जहां पर क्लोजिंग दी, रेड कैंडल ने भी वहीं पर क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट डाउन। तो ये दोनों कैंडल मिला के जो पैटर्न हुआ बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न, फिर यहां से ये पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट डाउन गया। उसके बाद अगेन देखो यहां पर ग्रीन कैंडल, फिर गैप अप ओपन हुआ कैंडल, फिर जितना उसने गैप मारा था उसको उसने कवर किया, सिमिलर जगह पे क्लोजिंग हुई, ग्रीन कैंडल के साथ रेड कैंडल का क्लोजिंग मैच हुआ, फिर यहां पर देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मार्केट चला गया। ठीक है, तो ये ओनली बेरिश पैटर्न है जो कि यहां पर मैंने चार्ट में आपको दिखाया। अब यहां पर देखो और भी अच्छे तरीके से दिया है, आपके लेफ्ट साइड में आपको बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है और आपके राइट साइड में आपको बेरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा। सिंपली यहां पर देखोगे रेड कैंडल फॉर्मेशन, जहां पर क्लोजिंग हुई वहां से मार्केट जंप करके नीचे गया, जितना उसने जंप किया उस प्राइस को कवर अप किया, रेड कैंडल के क्लोजिंग के साथ ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग मैच हो गया। अब ये हो गया जो पैटर्न, ये है बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। फिर अगर आप इसको मार्केट पे देखोगे तो यहां पर देखो एग्जांपल दे रखा है, यहां पर सिमिलर हुआ, ग्रीन रेड कैंडल बनी, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, फिर उसको कवर अप किया ग्रीन कैंडल ने, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। 3 to 5 मिनट का ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बेयरिश में अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल, फिर गैप अप ओपनिंग फॉर अप डायरेक्शन में ओपन हुआ ऊपर जाके, फिर उस गैप को कवर अप किया, सेम जगह पे इसका क्लोजिंग हुआ। अब इसका एग्जांपल भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल ओपन हुआ गैप में, फिर इसको कवर अप किया गैप को, फिर उसके बाद देखो कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे। तो ये जो पैटर्न है बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दोनों बहुत ही रेयर पैटर्न है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट पे आओगे आपको आते ही मार्केट में ये पैटर्न दिख जाएंगे, वो नहीं होगा। ठीक है, ये कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं, तो जब भी आपको देखने के मिले तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया है। ठीक है, सो ऑल इन ट्रेड में जब भी आप इस पैटर्न को फाइंड आउट कर रहे हो एंड ऐसा पैटर्न आपको दिखता है तो ट्रेड लो 3 to 5 मिनट, वो बेस्ट टाइम फ्रेम है, अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ओके, एंड यही है गाइज आज के वीडियो में, ये दो टाइप का मैंने आपको सिखाया, एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है बट बुलिश एंड बेयरिश, ये दोनों टाइप मैंने इसके अंडर का बताया आपको। तो ज़रूर इसको यूज़ करना, आई होप ये आपको पहले पता नहीं था आई थिंक। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत लोग जानते हैं बहुत लोग नहीं जानते, तो जो लोग नहीं जानते वो लोगों ने सीख लिया, जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग न्यू मेंबर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, हमारे ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मंडे टू फ्राइडे सिग्नल देते हैं, हर एक सिग्नल का रिजल्ट लाइव कैमरा ऑन करके प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं, और उसके साथ साथ हम जूम पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं सेशन का, जो भी आप वहां पर देख भी सकते हो, प्लस एट द सेम टाइम ग्रुप में आप ट्रेड भी ले सकते हो, एंड उसके साथ साथ आफ्टर सेशन मेंबर्स के रिजल्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि ओरिजिनल में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सो ट्रस्ट 100%, पहले आप जाइए ज्वाइन कीजिए, फिर आपको अगर अच्छा लगे तो आप VVIP भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा। ओके गाइस, सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो इतना ही है, सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अपना ध्यान रखना एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।